गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ब्रिक्स। अब हम नेक्स्ट जो करने जा रहे हैं वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 10। और चैप्टर नंबर जो 10 है हमारा, वो क्या होगा कि उसका टॉपिक का नाम है हमारे पास, ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। छोटा सा चैप्टर है, एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव इसमें से आता है, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। और इस चैप्टर का जो नाम है वो है हमारे पास डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइन, डिस्कार्ड रूल ऑफ साइन। तो ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए। तो पहले तो कुछ डेफिनेशन है जो क्वेश्चंस में यूज होंगी, या फिर आपसे वैसे भी पूछ सकते हैं। तो पहले, सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो है हमारे पास कंटिन्यूएशन और परमानेंस ऑफ साइन। इसमें क्या होता है आपके पास कि आपके पास कोई पॉलिनोमियल दिया होगा, उसमें साइन कितने कंटिन्यू है आपके पास, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टर्म्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, टर्म बीइंग रिटर्न इन डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि अगर हम कोई पॉलिनोमियल लेते हैं, इफ इन अ पॉलिनोमियल, इन अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल अ पॉजिटिव साइन is followed by positive, followed by positive sign, positive sign है वो positive sign को follow करे, और या फिर क्या हो सकता है आपके पास, negative sign is followed by negative sign। कैसे होगा, कोई एग्जांपल लेते हैं, देन अ कंटिन्यूएशन और परमानेंस ऑफ साइन इज सेड टू बी अकर, इन सेड टू बी अकर, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया कि x की पावर 6 कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है, हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा, और ये आपके पास हो गया x की पावर 6 माइनस में 2, x की पावर 5 माइनस में x की पावर 4 माइनस में x क्यूब प्लस में 2x, कोई भी लिख सकते हैं आप, प्लस में 2x प्लस में 2, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नेगेटिव साइन जो नेगेटिव साइन को फॉलो करता है, तो यहाँ क्या हो गया आपके पास, देयर आर टू कंटिन्यूएशन, एक यहाँ है नेगेटिव से नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव से नेगेटिव, ठीक है। यहाँ एक ही है पॉजिटिव टू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव टू पॉजिटिव साइन परमानेंस आपके पास एक है, ठीक है। और नेगेटिव टू नेगेटिव आपके पास कितने हैं यहाँ पर, या फिर हम ऐसा भी कर सकते थे यहाँ पर क्यूब के पास स्क्वेयर लिख दें, यहाँ आपके पास नेगेटिव कर दें और यहाँ एक्स हो गया और यहाँ 3 कर दिया हमने। तो आप पॉजिटिव टू पॉजिटिव कोई नहीं है, सिर्फ नेगेटिव टू नेगेटिव है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि देयर आर टू कंटिन्यूएशन, किसके हो रहे हो, नेगेटिव के, देयर आर टू कंटिन्यूएशन। तो ये थी हमारे पास कंटिन्यूएशन और परमानेंस की डेफिनेशन जो आपसे पूछी जा सकती है और वैसे हम क्वेश्चन में यूज करेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन, कंटिन्यूएशन एंड परमानेंस ऑफ द साइन। तो इसमें आपने देखा कि नेगेटिव टू नेगेटिव या पॉजिटिव टू पॉजिटिव साइन अगर आपके पास फॉलो करता है तो उसको हम क्या कहेंगे, देयर आर कंटिन्यूएशन, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन है हमारे पास यहाँ पर वेरिएशन और चेंज ऑफ साइन, कि चेंज कितने हो रहे हैं इसमें, वेरिएशन और चेंज ऑफ साइन।
समझ में आ गया होगा कि चेंज जैसे यहाँ है इस एग्जांपल में है आपके पास एक चेंज तो यहाँ है, फिर कहाँ है एक चेंज ये है, फिर एक चेंज यहाँ आपके पास क्योंकि नेगेटिव कर दिया था मैंने यहाँ पर, एक चेंज यहाँ है तो कितने चेंज हो गए, कितने वेरिएशन साइन हो गए, वन, फिर यहाँ नहीं है आपके पास, यहाँ है टू, फिर थ्री, फिर फोर, ठीक है तो कितने चेंज हो गए, फोर। तो ये वेरिएशन और चेंज ऑफ साइन आपको समझ में आ गया होगा। और इसके डेफिनेशन है इन अ पॉलीनोमियल, इन अ पॉलीनोमियल, इन अ पॉलीनोमियल, किसी पॉलीनोमियल में इन विच टर्म, इन विच टर्म, जो टर्म होती है हमारे पास, टर्म्स आर रिटर्न, कैसे लिखी होंगी आपके पास, रिटर्न इन डिसेंडिंग, जैसे ऊपर मैंने बताया था कंटिन्यूएशन और परमानेंस में बताया था आपको, इसी तरह से यहाँ भी पहले आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना होगा, लिखना होगा, डिसेंडिंग पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल एक्स हो सकता है, टी हो सकता है, वाई हो सकता है आपके पास, ठीक है, टी हो सकता है, एक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप कैसे भी लिख सकते हैं उसको। इफ आ नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन इज फॉलोड बाय पॉजिटिव, इज फॉलोड बाय पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन एंड वाइस वर्सा भी कह सकते हैं आप, पॉजिटिव साइन और अ पॉजिटिव साइन फॉलोड बाय पॉजिटिव साइन, फॉलोड बाय नेगेटिव साइन, ठीक है। तो वैसे मैं ऊपर वाले एग्जांपल में बता ही चुकी हूँ, देन अ वेरिएशन और चेंज ऑफ साइन, वेरिएशन और चेंज ऑफ साइन, वेरिएशन और चेंज ऑफ साइन इज सेड टू बी ओपन। तो ये डेफिनेशन होगी इसकी, अगर डेफिनेशन आ जाती है तो आपको इस तरह से करना है, फिर कोई एग्जांपल देके आप बता सकते हैं जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। अगर मैं कोई एग्जांपल लेती हूँ छोटा सा, जैसे मैं लिखा 4x³, कुछ भी लिख लीजिएगा, माइनस का 3x प्लस का, सॉरी 3x² प्लस में 2x प्लस में 3, तो इसमें चेंज कितना आया, एक और दो, ये तो चेंज है ही नहीं, ये तो कंटिन्यूशन में आ गया, ठीक है, तो दो चेंज हो गया हमारे पास। तो इस तरह से हम वेरिएशन और चेंज ऑफ साइन के डेफिनेशन को हम कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास वेरिएशन और चेंज, फर्स्ट थी हमारे पास कंटिन्यूशन और परमानेंस, दोनों ही नाम से अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपके पास सेकेंड डेफिनेशन, नाउ कम टू द थर्ड डेफिनेशन। थर्ड डेफिनेशन आपके पास क्या है, कंप्लीट इक्वेशन, कंप्लीट इक्वेशन, जैसे नाम से ही क्लियर है यहाँ पर कि पहले हमें कंप्लीट इक्वेशन लिखना पड़ेगा, जिसका कोफिशिएंट जीरो है उसको भी आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो एन इक्वेशन इज सेट टू बी कंप्लीट व्हेन नन ऑफ इट्स कोफिशिएंट इज जीरो, एन इक्वेशन इज सेट टू बी कंप्लीट when none of its, none of its coefficient is zero, coefficient is zero, ठीक है। तो ये एक तरह से कंप्लीट किया हमारे पास, ऊपर हमने लिया था, हमने कंटिन्यूशन और परमानेंस किया, हमने चेंज ऑफ साइन किया, तो ये है हमारे पास कंप्लीट, क्योंकि ये भी एक कंप्लीट इक्वेशन लिखी है हमने, ऊपर भी कंप्लीट इक्वेशन लिखी थी, तो ये थी हमारे पास डेफिनेशन कंप्लीट इक्वेशन की। नेक्स्ट है हमारे पास एम्बिग्यूटी ऑफ द साइन, एम्बिग्यूटी ऑफ द साइन, एम्बिग्यूटी ऑफ साइन, वैसे डेफिनेशन पूछ ली जाए तो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको, अदरवाइज आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। एंड एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी ऑफ साइन इज सेट टू बी ओकर, ऑफ साइन इज सेट
टू बी अपर, कब कहेंगे हम इसको, व्हेन एनी टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, व्हेन एनी टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल एफ एक्स, ये कोई पॉलिनोमियल लिया हमने उसको नाम दे दिया, हैज द डबल साइन, हैज द डबल साइन, डबल साइन मतलब दोनों साथ आ जाए, जैसे हम लिखते हैं ना प्लस माइनस, तो डबल साइन हो जाए आपके पास, या प्लस माइनस हो जाए, माइनस प्लस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एम्बिग्यूटी ऑफ द उसमें हो गया, जैसे हमने एग्जांपल लिखा है यहाँ पर, जैसे हमने लिखा x की पावर 7 प्लस में 6 x की पावर 6 माइनस में 5 x की पावर 5 प्लस में 2 x की पावर 4 माइनस में कुछ भी लिख लीजिएगा 3 x की पावर 7 6 5 4 3 और फिर नेक्स्ट 2 लिख लेते हैं पावर, फिर पावर आपके पास x हो जाएगा प्लस में 1। साइन ऑफ द टर्म r, अब आपके पास इसमें साइन ऑफ द टर्म आपके पास क्या है, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस, तो देयर इज ए प्लस इन बिगनिंग एंड द अगेन प्लस, सो द कंटिन्यूशन साइन ऑफर इन सेकंड प्लेस एंड द जो हमारे पास इस तरह से होगी। लेकिन अगर हमारे पास ये दोनों साइन एक साथ आ जाए, जैसे हमने लिख दें यहाँ पर प्लस माइनस दोनों साइन हमारे पास एक साथ आ गए, जैसे यहाँ लिख दिया मैंने, तो ये एम्बिग्यूटी आपके पास हो जाएगी। तो इसका कोई ज्यादा सा रोल नहीं है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। एक नोट है, वो ये है आपके पास नोट, नोट है आपके पास, इसी से रिलेटेड है, इसी टॉपिक का है हमारे पास, कि इफ सम टर्म इन ए पॉलिनोमियल आर मिसिंग, पहले ही बता चुकी हूँ, इफ सम कंप्लीट इक्वेशन में बताया था, इफ सम टर्म्स ऑफ सम टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल में अगर कोई टर्म आपके पास मिसिंग है, नहीं दे रखी, तो फिर हम कैसे करेंगे, मिसिंग देन द सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ द नंबर ऑफ साइन ऑफ कॉन्टिन्यूएशन, कॉन्टिन्यूएशन एंड वेरिएशन इज, वेरिएशन इज लेस देन द डिग्री, लेस देन द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये कम हो जाएगा ना, पॉलिनोमियल डिग्री से कम हो जाएंगे उसके जो है हमारे पास। तो आपको एक तो चैप्टर, इस चैप्टर के जो पेज नंबर फर्स्ट और सेकंड पेज है बुक के, उसको ध्यान से पढ़ना है और वीडियो को अच्छे से आपको देखना है, ठीक है। तो डिस्क्रेट्स रूल ऑफ साइन जो है हमारे पास, इसमें ये डेफिनेशन हमारे पास यूज हो रही है, और इसके वर्किंग रूल क्या है, जो अभी हम क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन में जो यूज करेंगे वो वर्किंग रूल क्या है हमारे पास। तो डिस्कार्ड्स मेन टॉपिक हमारे पास यहाँ से, ये तो इसकी छोटी टर्म जो थी तो यूज हो रही थी वो हमने आपको बताई, डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइन, इसके रूल क्या है हमारे पास, इसको सोल्व करने के, क्वेश्चन अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल दे रखा है तो उसको सोल्व कैसे करेंगे, तो इसके रूल है हमारे पास। फर्स्ट रूल तो ये है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के और इसके साइन को देखते हैं हम, तो द नंबर, द नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स इन एनी पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इन एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन, इक्वेशन किस तरह से लिखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो विद रियल कोफिशियंट, कैसे होने चाहिए इसके कोफिशियंट, विद रियल कोफिशियंट, कोएफिशिएंट
कैन नॉट एक्सीड, जो कोफिशियंट है कैन नॉट एक्सीड, इससे ज्यादा नहीं होंगे. द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ साइन, चेंजेस ऑफ साइन, जो नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ साइन होंगे उससे ज्यादा नहीं होंगे. साइन ऑफ द कोफिशियंट कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट्स इन एफ एक्स, जो आपके पास इक्वेशन ली है उसमें. और दूसरा आपके पास क्या होगा, एक तो ये रूल होगा कि ये इससे ज्यादा नहीं होंगे, एक्सीड नहीं करेंगे उसको. और दूसरा आपके पास क्या होगा, द नंबर ऑफ नेगेटिव रूट इज एनी पॉलिनोमियल, द नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स ऑफ एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो विद रियल कोफिशियंट, विद रियल कोफिशियंट, विद रियल कोफिशियंट्स कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ, कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ चेंज ऑफ साइन, नंबर ऑफ चेंज ऑफ साइन किसके, ऑफ द कोएफिशिएंट इन, ऑफ द कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट इन एफ माइनस एक्स. देखने में तो सही लग रहा है, यहाँ क्या था एफ एक्स, यहाँ कितना है आपके पास एफ माइनस एक्स. ठीक है, तो इसमें ये नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो ये तो थी हमारे पास इसका बेसिक थ्योरी कि इसमें कौन कौन सी टर्म यूज होगी, डिस्कार्ड रूल ऑफ साइन में हम क्या क्या यूज करेंगे इसको. ठीक है, अब हम इसका एक एग्जाम्पल करवाते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट. लेकिन आपको ध्यान से इसको पढ़ना है, वीडियो को देखना है, चैप्टर को रीडिंग करना है, चैप्टर के फर्स्ट टू पेज को आपको बेसिक के लिए रीड करना है. तो एग्जाम्पल नंबर हमारे पास फर्स्ट है, एग्जाम्पल फर्स्ट बहुत इजी है ये सब. पहला है आपके पास अप्लाई डिस्कार्ड्स डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइन डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइन टू डिस्कस. क्या करते हैं इसमें हम उसका नेचर को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कैसे रूट होंगे, रियल होंगे, इमेजिनरी हो गया. तो डिस्कस द नेचर ऑफ नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वेशन आपके पास दे रखी है एक्स की पावर फोर प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस इलेवन इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो आपके पास क्या है इसका जो सॉल्यूशन करेंगे, तो सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे. तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास इस तरह की इक्वेशन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर फोर प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस के इलेवन. ठीक है, अब एफ एक्स में कितने चेंज है हमारे पास, एक ही चेंज है, सिर्फ यहाँ चेंज है, प्लस से माइनस हो रहा है, और तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस, तो कितने चेंज हुए, एक ही चेंज हुआ. तो इसको ना आपको करते वक्त एक ही चीज का ध्यान रखना है कि इसको केयरफुली आपको कैसे लिखना है, इसके स्टेप जो है वो कैसे लिखने हैं आपको, वो इसमें ध्यान रखना है. तो सबसे पहले हम गिवन पॉलिनोमियल को इस फंक्शन की फॉर्म में हम लिख लेंगे. तो आपके आप देख रहे हैं कि एफ एक्स में कितने चेंज है, एक है, तो आप लिख सकते हैं यहां पर एफ एक्स हैज ओनली वन चेंज,
वन चेंज, एक चेंज है। अगर एक चेंज है तो आप इसको लिख सकते हो कि एफ एक्स हैज एट मोस्ट, जो रूट होंगे ना इसके, इस चेंज के ऊपर डिपेंड करते हैं, एफ एक्स हैज एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास एक ही पॉजिटिव रूट होगा, वन पॉजिटिव रूट। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस के लिए करेंगे, क्योंकि मैंने रूल में दोनों के लिए बताया था। तो अब क्या करेंगे, f माइनस एक्स, जैसे ही हमने x की जगह माइनस एक्स रखा तो ये आपके पास क्या हो गया, x की पावर 4, ये आपके पास 5x क्या रहेगा, लेकिन यहाँ माइनस 7x हो गया और ये 11, क्योंकि x की जगह क्या रखी हमने, माइनस एक्स, तो ये ऑड पावर थी इसलिए नेगेटिव हो गया, ये दोनों इवन पावर थी तो आपके पास क्या आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। यहाँ कितने चेंज है, यहाँ भी एक ही चेंज है आपके पास, कितने चेंज है, वन चेंज। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर एफ माइनस एक्स, जैसे ऊपर लिखा था, हैज ओनली वन चेंज ऑफ साइन, वन चेंज भी लिख सकते हैं, वन चेंज ऑफ साइन भी आप लिख सकते हैं। अगर एक ही है आपके पास तो एफ माइनस एक्स के कितने होंगे आपके पास रूट, वन होगा, लेकिन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो आप यहां लिख सकते हैं कि एफ माइनस एक्स, एफ माइनस एक्स मतलब एफ एक्स है वो क्या है, वह हैज एट मोस्ट वन नेगेटिव रूट्स, वन नेगेटिव रूट, एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव एफ एक्स के रूट हमारे पास। तो इसका मतलब क्या हो गया, दो रूट हो गया आपके पास रियल। दस द गिवन इक्वेशन हैज, इक्वेशन हैज एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास दो ही रियल रूट होंगे आपके पास, एट मोस्ट टू रियल रूट्स। ठीक है, बट जो दी हुई इक्वेशन है हमारे पास उसमें तो क्या था, पावर फोर की है तो कितने रूट होने चाहिए, चार होने चाहिए। बट द गिवन इक्वेशन हैज फोर रूट, फोर रूट्स। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसका मतलब हमारे पास दो तो रियल होंगे तो दो कैसे होंगे आपके पास इमेजिनरी, हैंस हैंस एफ एक्स हैज एट मोस्ट टू रियल रूट्स एंड एटलीस्ट टू इमेजिनरी रूट, इमेजिनरी रूट्स। तो दो रियल होंगे और दो ही क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो इसमें आपको स्टेप लिखना बहुत जरूरी है, अगर स्टेप प्रॉपर आपने लिखे हुए हैं तब तो ठीक है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने स्टेप को स्किप कर दिया है तो फिर आपका हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है आपको। इसमें सिंपल सी बात है, हमारे पास किस कितने पावर की दे रखी है, ये पावर फोर की दे रखी है, तो ये सिंपल सी बात है कि कितने रूट होंगे हमारे पास, चार रूट होंगे इसके, कितने रूट होंगे, चार, डिग्री चार है इसकी तो चार होंगे। तो सबसे पहले तो एफ एक्स के लिए चेक करेंगे हम, कितने चेंज ऑफ साइन है इसमें, एक है, एक है तो एटमोस्ट वन पॉजिटिव रूट हो गया। फिर एफ माइनस एक्स के लिए करेंगे सेम ऐसे ही, इसमें भी देखा हमने एक ही चेंज है, एक ही चेंज है तो हमारे पास नेगेटिव कितना होगा आपके पास, वन चेंज नेगेटिव आ गया आपके पास, तो नेगेटिव रूट भी हमारे पास एक ही होगा। लेकिन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें क्या हो जाएगा कि दो हमारे पास कैसे होंगे, रियल रूट होंगे। लेकिन ये तो पावर फोर की थी, पावर फोर की थी तो कितने रूट्स होने चाहिए, चार होने चाहिए, तो दो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा दो रियल होंगे और कम से कम दो आपके पास इमेजिनरी होंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट था। तो अभी आपको इस लेक्चर में थ्योरी बुक से पढ़नी है, जो मैंने लिखवाया है वो भी आपको, चारों डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए और एक एग्जाम्पल मैंने बता दिया, बहुत ईजी है, एक क्वेश्चन बड़ा आपका और एक क्वेश्चन छोटा इसमें से आता ही है, बहुत ही इजी चैप्टर है और
आप इसको इजीली कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। थैंक यू वेरी मच।